कुल्लू जिला की गडसा घाटी के गांव में गत दिन हुए बाल विवाह के मामले में महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर दी है। जिला कार्यक्रम अधिकारी वीरेंद्र आर्य ने कहा है कि नाबालिग की शादी करवाना कानूनन जुर्म है और इस मामले में जो भी दोषी होगा उस पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जिला कुल्लू की गडसा घाटी के गांव में गत दिन हुए बाल विवाह के मामले में महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर दी है। जिला कार्यक्रम अधिकारी वीरेंद्र सिंह ने रिपोर्ट अपने उच्च अधिकारियों को भेज दी है। वहीं कुल्लू पुलिस को भी रिपोर्ट की एक कॉपी सौंपी गई है और इस मामले में दोषियों पर सख्त कार्यवाही करने का आग्रह किया गया है। जिला कार्यक्रम अधिकारी वीरेंद्र ने कहा कि नाबालिग की शादी करवाना कानूनन जुर्म है और इस मामले में जो भी दोषी होगा उस पर कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। कल सुबह 10:30 बजे के लगभग हमें एक मैसेज आया कि ज्येष्ठा गांव में एक बाल विवाह होने जा रहा है और उस लड़की की आयु जो है 18 वर्ष से कम आयु है, तो भी आप उसे बचा लो। और इसी संदर्भ में हमने एक टीम तुरंत गठित करी और उसमें जो है हमारी प्रोबेशनर ऑफिसर मिसेस नवीन कुमारी और काउंसलर पांडेई और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता यानदेई नीनू और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ज्येष्ठा चुन्नी देवी इसमें शामिल हुई और हमने वहां पे जो है दबिश दी। तो देखा तो वाकई में ही वो विवाह हो रहा था और हमने तुरंत उनकी फ़ोटो वगैरह भी ली और वहाँ पे उनसे बात करी। तो बात पहले वो मान गए कि हाँ हम गलत कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद उन्होंने जो है अपना रवैया बदल दिया और हमारे प्रति उनका व्यवहार बिल्कुल ही नकारात्मक रहा। फिर हमने उनको बच्चों को रेस्क्यू करने की कोशिश करी तो उन्होंने फिर देवी देवता का वो करके और अंदर ले गए वो बच्चों को वहाँ से फिर उन्होंने गुम कर दिया। फिर हमने काफ़ी देर तक शाम तक हम उनके पास बैठे रहे और रिक्वेस्ट करते रहे उनसे। फिर जब नहीं वो लोग माने फिर हम जो है फिर वापस आ गए और शाम को अपनी रिपोर्ट बना ली और उस रिपोर्ट को हमने जो है अधीक्षक पुलिस महोदय को जो है सबमिट कर दिया है। गौर रहे कि बीते दिन घाटी के एक गांव में विभाग की टीम बाल विवाह को रोकने के लिए पहुंची थी। टीम के पहुंचते ही परिजनों ने विवाह की रस्मों को तो रोक दिया, लेकिन कपड़े बदलने के बहाने दूल्हा और दुल्हन दोनों को मौके से फरार कर दिया। सूचना के अनुसार दुल्हन अभी नाबालिग है और नियमों के अनुसार उसकी शादी करवाना गैरकानूनी है। वहीं DSP कुल्लू ने बताया कि उन्हें विभाग की ओर से शिकायत मिली है और पुलिस इस मामले में दोषी लोगों पर कानूनी कार्यवाही अमल में लाएगी। बारे में एक पत्र आज ही SP ऑफिस में जिला कार्यक्रम अधिकारी कुल्लू से प्राप्त हुआ है। पत्र प्राप्त होने के बाद SHO पुलिस स्टेशन भुंतर को आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं और जल्दी इसमें FIR हो जाएगी। अधिनियम में प्रावधान है, उसके मुताबिक ही कार्रवाई इसमें अमल में लाई जाएगी। सिटी चैनल के लिए कुल्लू से दिलीप ठाकुर की रिपोर्ट।